गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और बन रही है हमारी चाय, ब्लैक टी हमेशा की तरह। दोस्तों, चाय बनाते बनाते मैं खो जाती हूँ अपनी ही दुनिया में, कोई होश ही नहीं रहता और ऐसा लगता है कि मैं इस धरती पे हूँ ही नहीं। आज है संडे और मैं बना रही थी फ्रेंच ऑमलेट पापा जी के लिए, क्योंकि पापा जी को मम्मी फ्रेंच ऑमलेट बना के दिया करती थी, हस्बैंड को नहीं पसंद है ज्यादा तो उन्होंने बनाया जैकी श्रॉफ के स्टाइल का ऑमलेट, करी पत्ता राई डाल के तड़का मार के, और ये स्वीट कॉर्न रखा है जो मैंने थोड़ा खा लिया था, और इन सब के साथ बनाया था मैंने छाछ जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सिर्फ खाना पीना देखोगे क्योंकि ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद सीधे लंच हुआ, और हमेशा की तरह हस्बैंड कुक कर रहे हैं क्योंकि छुट्टी वाले दिन वही कुछ न कुछ बनाते हैं, काफी शौकीन आदमी है, तो आज वो बना रहे थे ककोरा। ककोरा मैंने कभी नहीं खाया, घर में तो आता था लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि इसको देख के लगता था कि कहीं ये कड़वाए ना, क्योंकि ऊपर से करेले जैसा होता है, लेकिन मैं करेला तो खाती हूं, बट ककोरा के लिए बहुत डाउटफुल रहती थी। खैर, आज हस्बैंड ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, वो मुझसे मांग रहे थे प्याज लहसुन का पेस्ट कहाँ रखा है, तो मैंने बोला फ्रिज में रखा है ले लो, लेकिन उन्होंने लहसुन का पेस्ट निकाल लिया और आधा पूरा का पूरा लहसुन का पेस्ट डाल दिया, प्याज लहसुन का पेस्ट समझ के। लेकिन अब क्या करते, जब मैंने उनको बताया तो बहुत लेट हो चुका था, फिर मैंने उन्हें प्याज लहसुन का पेस्ट दिया तो फिर उन्होंने दोबारा बनाना शुरू किया, लेकिन बड़ी मेहनत लग गई उनको। यहाँ पे वो मुझसे बोलने लगे जब पापा जी को देख के आओ कहीं सो तो नहीं गए, मैंने बोला नहीं, वो फोन में कुछ कुछ कर रहे हैं। फिर मुझे बाहर से आवाज आने लगी कि कोई चिल्ला रहा है शायद, लेकिन जब मैं बाहर गई तो मुझे खास कुछ दिखा नहीं, पड़ोसी का घर दिखा, और ज्यादा देर किसी के घर में झांकना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो ताक झांक वाली आंटी हूँ तो थोड़ा सा तो झांक ही लेती हूँ। हस्बैंड आवाज लगाने लगे तो मैं हड़बड़ा के वापस आने लगी, मैंने सोचा कहीं डांटने न लगे कि तुम्हारी ताक झांक शुरू हो गई। फिर मैं अंदर आने लगी, और हस्बैंड जब भी किचन में कुछ बनाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, खुद से तो वो ढूंढते नहीं, मुझसे ही मांगते रहते हैं। पापा जी को चेक किया तो वो कुछ कुछ कर रहे थे, देखा तो वो दाढ़ी बना रहे थे। फिर मैं वापस आने लगी, हस्बैंड ने बोला खाना बन गया है लगा दो, तो मैंने लगा दिया खाना, बहुत सारी चीजें बनी थी। पापा जी बोले बेटा इतना सारा तो मैं खा ही नहीं पाऊंगा। लंच कर लिया और देखते देखते शाम आ गई, और आज आई है मछली। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मछली। काफी टाइम से हस्बैंड ने मछली नहीं खाई थी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर्सनली, लेकिन हस्बैंड को पसंद है इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं मछली बनाऊंगी। इसे कहते हैं कतला, मैंने आपको दिखाया था। अभी हस्बैंड ने मछली धोके मुझे दे दी है, और बाकी का सारा चीज मैं करूंगी, बनाने वाला काम मैं करूंगी और खाने वाला काम हस्बैंड करेंगे ऑब्वियसली। पापा जी को भी मछली पसंद है, हालांकि वो नॉनवेज लवर नहीं है, लेकिन सिर्फ मछली ही पसंद है। हस्बैंड वीडियो में आते नहीं है पूरी तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा आते हैं, ये नहीं कि पूरा आ जाए और इंटरेस्टिंग बना दें, लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आएंगे तब भी आएंगे। अभी मैं बनाने जा तो शुरू कर दिया मैंने मछली बनाने का काम। सबसे पहले डाला इसमें मिर्ची पाउडर, उसके बाद हल्दी पाउडर, फिर डाला इसमें नमक, बहुत ज्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि नमक डाल के ही धोया गया था, फिर लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। लोग कहते हैं हाथ से मिक्स करो, लेकिन मुझे डर लगता है कि इसका कांटा ना गड़ जाए, इसलिए मैं हाथ से नहीं करती, मैंने इसको चमचे से किया है। मछली अच्छे से मिक्स हो गई है, आप देख सकते हैं हर मछली में मसाला लग गया है, और अब मैंने इसे तलना शुरू कर दिया। Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. And follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love to give. मछली तल के निकल चुकी है, तो अब मैं बना रही हूँ इसकी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने प्याज लहसुन अदरक करी पत्ता और नारियल का बुरादा अच्छे से पीस लिया था, उसके बाद मैंने उसको तेल में डाल दिया और फिर मैं उसे भूनने लगी। भूनने के काफी देर बाद जब वो ब्राउन हो गया, ब्राउन होने के बाद भी उसको थोड़ी देर आप चला चला के और भून लीजिएगा, क्योंकि भूनने से इसका स्वाद काफी अच्छा हो जाता है। फिर इसमें पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं एक बंगाली मसाला डालती हूँ जो
जो मेरे पापा खड़गपुर से लेके आए लेकिन थे। लेकिन आप इसकी जगह कोई भी दूसरा रैंडम मसाला डाल सकते हो, स्वाद तब भी अच्छा आएगा। फिर मैंने इसमें मछली डालना शुरू कर दिया। मछली डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी जिससे कि सारा फ्लेवर मछली में भी भर जाए। मछली डाल के फिर मैंने इसको स्टर करना शुरू कर दिया क्योंकि थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा, कहीं नीचे से जल ना जाए। मैं तेज आंच में बना रही थी। दूसरी तरफ हस्बैंड भी मछली ही बना रहे थे, उन्होंने कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला था जो वो मुझे बता नहीं रहे थे। खैर दिखने में तो दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। हस्बैंड को मैंने फ्राइड मछली दी खाने के लिए और पापा जी को भी दी, लेकिन वो तो ट्रेडमिल कर रहे थे। दोस्तों अभी मैं मछली बना रही हूँ, उसमें बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि पहले जो मैंने मसाला बनाया था वो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं था, तो मैंने उसको हटा दिया और उसके बाद मैंने नया मसाला बनाया, उसको फिर से पीसा। हो सकता है डिनर के लिए थोड़ा सा लेट हो जाए। फाइनली फिश करी रेडी हो चुकी है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और फ्लेवर सारा घुस चुका होगा मछलियों में। इधर मेरे हस्बैंड वाली भी मछली तैयार हो चुकी है, पता नहीं कैसी बनी होगी। सब ने डिनर करना शुरू भी कर दिया, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मछली की स्मेल मुझे पसंद नहीं। हालांकि जरा सी भी स्मेल नहीं आ रही थी बट फिर भी मुझे डाउट होता रहता है। मैंने हस्बैंड की प्लेट से थोड़ा सा बस एक चम्मच टेस्ट कर लिया लेकिन मछली नहीं खाई। कैसी लगी मछली? बहुत टेस्टी लगी। दोस्तों सब लोगों को मछली बहुत पसंद आई है, मैं आपको क्या बताऊं, सेकंड टाइम बनाई और इतनी बढ़िया बनी। खैर हस्बैंड ने दो टाइप की ग्रेवी पसंद की है तो वो खा रहे हैं, पापा जी अभी फ्राई मछली खा रहे हैं। मेरी तो हालत पस्त हो चुकी है, तो मैं आपसे कल मिलूंगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए लव यू।